कि जहां पर हमारी संवेदना मणिपुर के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सामने मणिपुर की व्यथा नहीं सुनना चाहते। हमारी मांग स्पष्ट थी कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 4 बजे आना है, उनको अपना भाषण देना है। हमारी मांग इतना ही था कि आप बस दो मिनट आप हमारे मणिपुर के सांसद को अपनी व्यथा, अपना पक्ष और मणिपुर में शांति और अमन की एक याचना व्यक्त करने का एक अवसर दे। लेकिन अफसोस, 2 मिनट नहीं मिला और 2 घंटे हमें सुनने पड़े प्रधानमंत्री को, जिस पर उन्होंने वही पुराने एलिगेशन, वही पुराने आरोप, कभी चुटकले, कभी मजाक, कभी तंज किया। उन्होंने राजनीति को एकदम निम्न स्तर तक लेके गए और एक सांसद जो वहां पे चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मुझे बोलने दो, उनकी बात सुनने का धैर्य उनके पास नहीं था, सहानुभूति नहीं थी, दिल में जगह नहीं थी। और इसीलिए उस क्षण में हमारे उत्तर पूर्वांचल के सांसद, आपने देखा होगा कि उत्तर पूर्वांचल के सभी सांसद हम वेल में आ गए। मणिपुर के 2 सांसद आए, मैं उनके साथ आया, फिर मेरे साथ नागालैंड के सांसद आए, मेरे साथ फिर मेघालय के सांसद आए और हम सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमने इंसाफ की गुजार लगाई। हमने इंसाफ की गुजारिश की, न्याय की गुजारिश की, मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर की आवाज़ सुनो। हम जो उत्तर पूर्वांचल के सारे सांसद हम आ गए। और उसके पश्चात मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे इंडिया अलायंस के सांसद देश के हर कोने से, उत्तर से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेके दक्षिण तक, देश के हर कोने का इंडिया अलायंस का सांसद उत्तर पूर्वांचल के सांसदों के समर्थन में सब हम वेल में आके हम सभी ने नारा लगाया, मणिपुर भारत का एक हिस्सा है, मणिपुर में आज आग लगी हुई है, मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर को इंसाफ दो। 2 घंटे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी भाषण रखी, लेकिन एक बार भी मणिपुर का बात उन्होंने नहीं उठाया। अंत में बस उतना ही कहा कि अगर आपको समय नहीं मिला तो आपको पार्टी को पूछना चाहिए। हम पार्टी से क्यों पूछे, हम उनसे क्यों नहीं पूछे? क्या यह प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़प्पन नहीं होता कि अगर वो बैठ जाते, अगर वो एक विरोधी सांसद को पानी का ग्लास दे सकते हैं तो एक विरोधी सांसद जो मणिपुर से आता है उसकी 2 मिनट की बात सुनने का धैर्य क्यों नहीं है उनके पास? बैठ जाते। और मैं कहता हूं कि अगर वो बैठते, बड़प्पन दिखाते और मणिपुर के सांसद को 2 मिनट अपनी बात रखने देते तो एक बहुत अच्छा संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से आज उत्तर पूर्वांचल को जाता, मणिपुर को जाता। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सुनिश्चित सोच से, योजना से मणिपुर को बार बार अपना पीठ दिखा रहे हैं। मोहन भागवत जी ने भी मणिपुर का नाम अर्ज किया, लेकिन मोहन भागवत जी की बात भी कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं मानी, बड़प्पन नहीं दिखा पाए। और मुझे लगता था कि वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई मणिपुर का सांसद बोले, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी वो अपने जिद पर अड़े रहे। 2 घंटे तक वो मणिपुर का सांसद चिल्लाते रहा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक आरोप और निम्न स्तर की राजनीतिक भाषा का प्रयोग किया। मुझे लगता है कि कल हमने एक ऐतिहासिक मौका हमने गवाया, जब पूरा देश हम मणिपुर को एक संदेश देना चाहते थे। मैं दोबारा आभार प्रकट करता हूं राहुल गांधी जी का, जो पहले दिन से संवेदनशील थे, पहले दिन से वो चाहते थे कि दोनों अपना पक्ष रखें। वो स्वयं खड़े होकर वो अध्यक्ष महोदय को गुजारिश कर रहे थे कि दोनों को अपना पक्ष रखने दे। और फिर मैं उत्तर पूर्वांचल के सांसदों को, जो सब पहले वेल में आए और उसके पश्चात जो हमारे विभिन्न हमारे देश के सांसद जो आए और मणिपुर का हमने साथ दिया, मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि हमने, इंडिया अलायंस ने, हमने एक संदेश दिया कि मणिपुर भारत का अंग है,
और मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है महिलाओं पर, युवाओं पर, छात्रों पर, बुजुर्गों पर, वो अत्याचारों को हम भूले नहीं हैं और उनके हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे।